और सोशल मीडिया ने काफी कुछ कह दिया है। किस प्रकार से जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके किन के साथ संबंध है, बीजेपी के साथ किस रूप में, किस लेवल के संबंध रहे सबको मालूम है, और रोज कुछ कुछ खबर आती रहती है। अभी हाल ही में खबर आई कि जब वो जिस मकान में रहते थे किराया, और वहाँ जो मकान मालिक भी मुस्लिम था, उसने शिकायत की पुलिस को कि मुझे तंग करते हैं या पता नहीं किन को कौन कौन लोग घर पे आते हैं, धमकाते हैं और किराया नहीं दे रहे हैं। तो पुलिस कार्रवाई करके पहले ही बीजेपी नेताओं के फ़ोन चले गए थाने के अंदर कि भाई ये हमारा कार्यकर्ता, इसको तंग मत करो। तो जब ये स्थिति है राजस्थान के अंदर, जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया वो किनके गोद में बैठा हुआ था, किनके साथ उनके संबंध थे, वो जग जाहिर हो चुका है, उसका जवाब उन लोगों को देना चाहिए। अशोक गहलोत अपनी नाकामी छिपाने के लिए एक विकृत मानसिकता के साथ वक्तव्य दे रहे हैं, चाहे वो सचिन पायलट या पार्टी के अंदर के लोगों के बारे में दें, चाहे विपक्ष के बारे में दें। इस तरह क्या उनकी मानसिकता बन गई है? इसलिए झूठे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी पर, RSS पर, बीजेपी पर लगाने का उनका स्वभाव हो गया है। जो उनके इन बातों में कोई तंत्र नहीं है कि बीजेपी हमेशा इस तरह के आतंकवादियों की या इस तरह की जो घटनाएं करते हैं उन सब के खिलाफ रही है और संघर्ष कर रही है और संघर्ष करती रही है।